चुनता है, कोई पैसा खा के तबियत से नहीं है। राजस्व स्टे हुआ है, हाईकोर्ट से स्टे है। हमने 4-5 दिन से सोचना दे दिया था, लेकिन दुकानदार जो है आ रहे थे कि मामला टल जाएगा, मामला टल जाएगा। राजस्व राजस्व PWD सब पैसा खा के पेट है, पैसा खाया है सब। अरे तो क्या किसी की दुकान थी आपकी? यही जो कि दवा की दुकान, दवा की दुकान थी। उसको बिना सूचना दिए तोड़ दिया। आप सुने थे शायद एक बिना पहले सूचना आया था आपका? जब मुआवजा मिल गया, सब दे दिया, तो उसको हटना चाहिए ना, नहीं हटेगा तो छोड़ेगा। आप लोगों को भी कोई नोटिस दे दिया गया? कुछ नहीं, हमारे लोग के साथ एकदम धोखा हुआ है। अचानक आए, तोड़ दिए, एक मिनट का मौका नहीं दिया। धनराज ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। अति आक्रमण के कारण मरवाड़ी चौराहे के अधिकांश दुकानों को प्रशासन द्वारा धराशाही कर दिया गया। यहां के दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन द्वारा दुकानों को हटाने की पूर्व सूचना नहीं मिली थी। वहीं कुछ अस्थाई नागरिक लोगों ने बताया कि दुकानों को हटाने की पूर्व सूचना दे दी गई थी, समय सीमा समाप्त होने के बाद ऐसी कार्रवाई की गई है। इसकी कुछ सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। पहले से तो एस्टिमेट दिए थे ना, पहले से बोलते बताए थे ना? नहीं नहीं, एकाएक अपने बिना कहे क्या भैया? हेलो, बिना सूचना का तोड़ दिए क्या? बिना सूचना का तोड़ दिए हैं? हाँ, सूचना तो दिए होंगे आप लोग को। कोई सूचना नहीं दिया, बिना सूचना सूचना का तोड़ दिए। कोई सूचना नहीं दिया। हम लोग कह रहे थे कि अभी हमको 1 घंटे समय दीजिए या 2 दिन के लिए चले जाइए, वो भी नहीं माना, क्या कुछ नहीं, मतलब तो कोई बात सुन भी नहीं, कुछ नहीं सुना। ये कब से कार्रवाई हो रहा है, कब से हो रहा है? ये 2:30 बजे से। 2:30 बजे से? 2:30 बजे। आप पहले बताए नहीं थे? कुछ नहीं, हम लोग को कोई नोटिस नहीं है। नोटिस दिया होता तो हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, स्टे है? स्टे है तभी तोड़ दिए, उसके बाद तोड़ दिया। मतलब प्रशासन की मनमानी है, कहने का मतलब ये ना है प्रशासन, राजस्व राजस्व PWD सब पैसा खा के पेट है, पैसा खाया है सब। अरे तो प्रशासन की मनमानी तो मानी जाएगी। मनमानी? क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए। अनिल इलेक्ट्रिक करके हमारी शॉप है। यहाँ पर शॉप थी? है, ये है ना, लेकिन आप तो थी ही मनाएगा ना? थी है। तो मतलब बिना कहे तोड़ दिया? हाँ, मगर कुछ भी नोटिस नहीं। ये हालत है। लड़का मेरा बैठता है, देखो बेटा। खर कर दिया है? नहीं, बिना का सूचना का तोड़े हैं तो ये तो गलत है भाई। कौन सा सूचना, कौन सा उसने नोटिस दिया है हमको? किसी को नोटिस नहीं दिया। आप लोग का भी था यहाँ पर ना? हाँ, वो भी टूट गया। हाँ, वो भी। क्या किसी की दुकान थी आपकी? यही जो कि दवा की दुकान, दवा की दुकान थी। उसको बिना सूचना दिए तोड़ दिया। आप सुने थे शायद एक बिना पहले सूचना आया था आपका? अरे तो फिर भी अलीगल न हुआ? लीगल तो है। इधर उनकी जमीन है, उधर पहले नहीं तोड़े। बरसात के समय कोई चिड़िया का खोता नहीं उजाड़ता। सही बात है, इस समय तो मतलब। और ये दुकान हमारी सत्या पानी से भीग के सब खराब हो गया, तोड़ दिया। अरे आप 1 घंटे का समय भी मांगे थे प्रेजेंट में? 1 घंटे समय नहीं दिया, हम लोग बोल रहे थे कि 1 घंटे समय तो अभी निकाल देते। कोई समय नहीं दिया, कोई समय नहीं, कोई समय तुरंत कार्रवाई करने लगे आकर तुरंत। ये तो गलत है भाई, तुरंत कार्रवाई करने लगे। मरवाड़ी चौराहा है, खासतौर से यहाँ पर काफी तोड़ फोड़ हुआ है, और साथ साथ बता रहे थे कि यहाँ का जो प्रशासन है
बहुत मतलब ताना सही मतलब कार्रवाई किया है, बिना अल्टीमेट का बिना सूचना का जो है कि यहाँ पर मतलब चुराए पर जितने भी मतलब दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ के दुकानदार काफ़ी परेशान भी है और जैसे देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर मतलब बहुत क्षति हुआ है लोगों का और काफ़ी मतलब छोड़ा गया है। ये मतलब बहुत ही गलत बात है और खासतौर से ये प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ बारिश का समय है, प्रशासन को जब आप स्टेज चल रहा था तो ये तोड़ने की कोई बात ही नहीं थी। राजस्व डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जम के पैसा खाया है, किसी के कहने पर तोड़ा है। मतलब बड़बड़ चौराहे के पास जो आसपास की दुकानें थी, यहाँ पर बहुत दुकानें थी, यहाँ पर चश्मे की दुकानें थी, मतलब यहाँ पर जो है कि ज्वेलरी की दुकान है, बहुत कम से कम 10-20 लोग मतलब यहाँ पर जो है बहुत काफी मतलब दुकानें थी। और ये भैया लोग हैं काफी परेशान है, यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर सब दुकानदार हैं और काफी परेशान है। बरसात बारिश का समय, एक घंटे समय मांग रहा हूँ, एक घंटे समय उसने नहीं दिया और सुनता है कोई परेशान पैसा खा के तबियत से राजस्व पीडब्ल्यूडी जब आप बता रहे थे स्टे हुआ है, हाईकोर्ट से स्टे है, फिर भी मतलब तोड़ उसके बाद कहा स्टे नहीं, कुछ मकान मालिक का मकान के मालिक नहीं हुआ है, हम लोग दुकानदार है, बहुत काफी मतलब यहाँ पर बहुत सुनता है। योगी का पोर्टल पे डाला गया, राजस्व डिपार्टमेंट को दिया, इससे उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, बहुत गलत हुआ। हम लोगों ने सिफारिश किया कि बारिश के समय थोड़ा आधे घंटे समय दीजिए, सामान निकाल लें, उसके बाद वो सुना नहीं, जबरदस्ती हो गया जी। और ये बड़बड़ चौराहा है, हमने इसका पेमेंट कर दिया। अरे जब इससे था तो पेमेंट क्यों किया आपने? इससे था आपको मालूम है, हम लोगों ने बताया पीडब्ल्यूडी को पेपर दिया, आगे होटल बना हुआ वो भी दिया, इसका नहीं चला हुआ है, आगे होटल बना हुआ है रोड पर है वो नहीं चला हुआ है, स्टे का दो तीन मकान इधर सब तोड़ दिया गया हुआ है। सराय के पास तोड़े हम लोग दरगाह के पास सामने, आपका भी दुकान था यहाँ पर? हाँ दुकान। अच्छा नहीं वाला आप लोग भी कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं, हमारे लोग के साथ एकदम धोखा हुआ है, अचानक आए तोड़ दिए, एक मिनट का मौका नहीं दिया गया। नहीं तो गलत बात है भाई, एकदम गलत बात है, सामान सब टूट गया। अच्छा कितनी दुकानें क्षति हुई, दरगाह के पास है ये मतलब पास पास की दुकानें जो है मुरवाड़ी की तरफ कर जाएंगे बुखारी की तरफ, तो ये सब इतनी दुकानें क्षतिग्रस्त कर दी गई, काफ़ी मतलब तोड़ दिया गया। एकदम बरसात का मौसम है लेकिन फिर भी मतलब कार्रवाई इतना भयंकर हुआ है, एकदम मतलब बिना सूचना दिए ही यहाँ पर मतलब कार्रवाई हुई है और पूरे लोग का मकान जो है सब तोड़ दिया गया, एकदम मार्ग पास पर कोई मकान बचा नहीं है यहाँ पर। सब लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, काफ़ी क्षति हुआ है यहाँ पर लोगों का। आपका भी दुकान था भैया? किसी की दुकान था आपका? देवा के ऑनलाइन का। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो आप लोग को मतलब सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दिया गया, सुने थे कि स्टे भी था यहाँ पर? हाँ हाईकोर्ट का स्टे था लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, मतलब हम लोग दिखा रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं, फोर्स लगा के तोड़ दिया, पुलिस लगा के प्रशासन लगा के तोड़ दिया। ये कब से कार्रवाई चल रही है? कब से चल रही है? 2014 से। ये नहीं आज कब से चल रही है? ये आज वही 2:30 बजे के लगभग। बताइए कितना मतलब सब सामान काम कर रही है, कंप्यूटर सर मतलब सब सामान दब गया उसी में, मतलब एक घंटे का समय नहीं दिए, किसी को मौका ही नहीं दिया। तो ये तो मतलब तानाशाही अपने देश में रहिए और मतलब तानाशाही सही है कम से कम। अरे यही अभी अभी पैसे वाले लोग होते घूस खा करके सामने, घूस हो या कुछ भी हो प्रशासन से बड़ा कुछ नहीं होता है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता है। सब पीडब्ल्यूडी का जमीन उसको नहीं खाली करवाया, ये नंबर का जमीन था। बताइए तो आप लोग को मुआवजा मिल गया है? कुछ नहीं, मुआवजा मिला होगा तो दरगाह वाला मैनेजर लिया होगा, मतलब आप लोग किराए पर? हाँ हम लोग किराएदार। दी गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और ये मैं सिर्फ बड़े बड़े दरगाह के पास हूँ यहाँ पर, बिना सूचना के ये मतलब तोड़ा गया है खासतौर से।
की मतलब भीड़ है यहाँ पर चारों तरफ, लेकिन दो बजे से कार्रवाई हो रही है बिना सूचना के, मतलब सब जितनी दुकानें हैं सब क्षतिग्रस्त कर दी गई। आपकी भी दुकान थी क्या है? ये दरगाह का गेट था यहाँ पर, उसको भी समाप्त कर दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया है। तो बरसात का मौसम है। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? किसी की दुकान थी? सिलाई दुकान थी। सिलाई की, क्या नाम है आपका? वो भी तोड़ दिया, बताए तोड़ दिए लोग। कोई सूचना दे दिया गया था? कोई सूचना नहीं। स्टे भी था? हाँ स्टे भी था यहाँ पर, और फिर भी प्रशासन मनमानी किया। हाँ इसका पेपर भी है स्टे का हम लोग पास, और दिखाने पर भी नहीं माने? नहीं माने। दो दुकान है, एक तो पेंटर की दुकान है, एक तो टेलर की दुकान है। सब सब तोड़ दिए चौराहे से दमार का। हाँ ये दरगाह बनारसी बाबा के दरगाह पर जाने वाला रास्ता ऐसा देख रहे हैं आप लोग, और ये जो है पूरा देखिए ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ से पीछे से आप दिखाएंगे, ये जो है पूरा मतलब ध्वस्त नष्ट कर दिया गया है ये सामने, और ये गेट था यहाँ पर कुछ बड़ा, इसको भी तोड़ दिया गया है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, लेकिन सामान बहुत काफ़ी दब गया है अंदर। यहाँ पर बहुत तरह की दुकानें थी, सब बिना एस्टिमेट के बिना सूचना के तोड़ा गया है। अब बरसात का मौसम भी आ जाए और स्वतंत्रता दिवस के पहले ही मतलब धरा सही कर दिया। और ये देख रहे हैं ये सब कितने भी है, तो यहाँ पर प्राइवेट ऑटो खुल रहे हैं इस पास का जगह है, ये रेलवे बैस रेलवे स्टेशन के पास का जो है यहाँ पर जमीन है, और खासतौर से ये जितना भी सब तब तोड़ा गया है। बहुत आगे तक तोड़े हैं, ये डीएल दफ्तर जाने वाला रास्ता है खासतौर से, डीएल सर्विस की तरफ जो रास्ता जाता है और ब्रांच रेलवे पास ही है खासतौर से। सब लोग बरसात एकदम इतना मतलब खड़ा साइज के कर दिया गया, बहुत तरह समाज के दबाव हुआ दिया। इतनी दुकानें सैकड़ों दुकानों को नष्ट कर दिया गया है, बहुत आगे तक तोड़े हैं बिना सूचना का तोड़ दिया गया है। आप लोगों की दुकान थी यहाँ पर? आप लोगों की दुकान बताइए, एकाएक कार्रवाई कर दी है, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसलिए प्रशासन की मनमानी है कि मरवाड़ी मतलब चौराहे के पास जो है दरगाह के पास, बनारसी बाबा की दरगाह के पास जो है सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है एक तरफ का, और ख़ासतौर से ये रास्ता जो है कि सीधे मरवाड़ी चौराहे की तरफ चला जाता है, जैसे देख रहे मरवाड़ी चौराहे की तरफ जाता है, जितनी भी मतलब कि इधर से आप आएँगे विशाल की तरफ से तो आपके बाएँ हाथ की तरफ सभी दुकानें नष्ट कर दी गई हैं, और काफ़ी दूर तक का नष्ट कर दिया गया है, काफ़ी दूर तक का जो रास्ते पर जितनी भी दुकानें पड़ी थी सब नष्ट कर दिया गया, सब तोड़ दिया गया, अब बिना सूचना का तोड़ा गया है। Thank you.
अच्छा पानी बस्तर से गिर गया, बह जाता है सीधे। मतलब बिना बताए थोड़ा नीचे बता दी क्या इतनी भी था यहाँ पर नोटिस दे के छोड़ा गया है। तो बता रहे थे लोग नहीं दे, नोटिस नहीं दिया गया है। नोटिस दिया गया था भैया, नोटिस दिए कितने समय हो गया था? नोटिस जब दिए थे तो कितने समय का समय दिए थे? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले नोटिस दिया गया था कि आप लोग दुकान हटा दीजिए, लेकिन लोग माने नहीं और दुकानदार सब बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया था। कौन बोल रहा है? और आसपास के दुकानदार हैं। गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप कह रहे थे कि स्टे भी हुआ था? नहीं, स्टे क्या होता है? मालिक जो है जब मुआवजा मिल गया सब दे दिया तो उसको हटना चाहिए ना, नहीं हटेगा तो छोड़ेगा, उसको तो जगह चाहिए भाई। भाई तोड़ते हुए आ रहा है कई जगह। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है? सुनना, एक रहने वाले हैं आप? हाँ। लोग बता रहे थे जिसका दुकान था वो बता रहे कि नोटिस भी नहीं दिए, स्टे भी लगा हुआ तभी मकान दुकान तोड़ दी गई। नगर निगम का अधिकारी आए थे सब, सब लोग आए थे। अगर बिना नोटिस का बिना इसे तोड़ा जाएगा तो आप इसका विरोध नहीं होगा? नहीं, सही बात भी कह रहे हैं आप। मैं नोटिस जारी कर अच्छा तो लोग सबसे पहले अपना सामान हटा लेना चाहिए था। उसने 4-5 दिन का सोचना दे दिया था, लेकिन दुकानदार जो है आ रहे थे कि मामला टल जाएगा, मामला टल जाएगा, लेकिन जो मामला आ गया कोर्ट से वो मामला टलेगा नहीं टलेगा नहीं टलेगा। प्रशासन के बारे में तो लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं भाई कि मतलब कि एस्टिमेट मतलब जो स्टे था तो स्टे क्या होता है? जब जब आप मतलब जो आपको बोली दिया गया हटा दी तो हटाइए अपना दुकान। जिसकी संपत्ति उसके नाम से इससे नहीं ना था? नहीं नहीं, उसके नाम पर थी। दुकानदार इससे नहीं लगा किसी की जमीन पे? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। बता रहे हैं बहुत दुकानदार बता रहे हैं कि स्टेप हुआ था और मतलब दुकानदार को लोग नोटिस नहीं दिया गया था, अब मतलब तोड़ दिया गया, लेकिन और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि इसका खुद मतलब यहाँ पर यही रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि लोग को 10 दिन पहले मतलब दिया गया था सूचना और हटाने के लिए, लेकिन ये लोग दुकानदार नहीं माने। तो क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में तो हम जनता को छोड़ देते हैं, लेकिन बरसात के समय जो कार्रवाई हुआ है थोड़ा ऐसा है उसको 1-2 घंटा का समय उनको देना चाहिए था प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में 1 घंटा समय देने के बाद लोगों को मतलब से हटाना चाहिए था। तो फिलहाल अगर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा प्रशासन की गलती है, 1-2 घंटे का समय यहाँ आप आकर देना चाहिए था कि लोग कम से कम सामान हटा सके। धन्यवाद भैया, थैंक यू। यहाँ से दरगाह आपको दिखाई दे रहा है, सांसद जी साथ देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। ये सब सामान जितना दिखता है पड़ा हुआ है, सब लोग निकाल के इसको इकट्ठा करके निकाल के जा रहे हैं। सामान भर रहे हैं अपना दुकान का, सब निकाल निकाल के
फिर क्या कर सकते।